कर दीजिए। इस टॉपिक में हम रात में सोच ये थे कि इसको थोड़ा सा विशेष बता दें कि अभी के समय में किसी में प्रॉब्लम आ रहा है जिसके चलते कई तरह की बीमारियां हो रही हैं। उसी में से तुमको एक पढ़ना है ह्यूमन हार्ट, और अभी देख रहे हो मैक्सिमम क्या हो रहा है, हार्ट का पेशेंट है, हार्ट फेलियर कर रहा है, कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, कहता अटैक आ गया फर्स्ट सेकंड था वो। तो यहाँ पर है कि हम लोग जो भी खाते पीते हैं, सांस ले रहे हैं, तो लास्ट में सब ब्लड के साथ वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अगर वह हर एक जगह नहीं पहुंचा तो फिर क्या होगा, वो ऑर्गेन कमजोर पड़ जाएगा। जिस ऑर्गेन के पास नहीं पहुंचा वो ऑर्गेन कमजोर हो जाएगा, वो टिश्यू कमजोर हो जाएगा, वो सेल कमजोर हो जाएगा। तो वहां तक उसको पहुंचाया जाए उसके लिए कई तरह का एक्सरसाइज, अनुलोम विलोम, कपालभाति, योग, प्राणायाम, खेल, तैरना, तो कई तरह का है, साइकिल चलाना, सबसे अच्छा चीज है तैरना, साइकिल चलाना, या फिर नित्य क्रिया में मन लगा के फिजिकल वर्क करना, जो भी जिसका वर्क है। लेकिन ये सब के बावजूद अगर हवा ही ठीक से नहीं मिले, अब मिले भी तो उसके साथ कुछ मैक्सिमम सस्पेंडेड पार्टिकल्स चला जाए, कुछ हानिकारक गैस चला जाए, तो क्या होगा कि वह भी ब्लड के साथ ट्रांसपोर्ट करने चलना। तो कुछ कुछ ऑर्गेन्स में डिस्टर्बेंस होना शुरू हो जाता है, एक लिमिट एज तक उसको लगता है कि हाँ हम ठीक है, लेकिन उसके बाद जब ज्यादा हो गया तो वो परेशान हो गया। तो उस हिसाब से आज इस चैप्टर में हम ह्यूमन हार्ट पढ़ा रहे हैं, तो उसमें क्या देख रहे हैं कि यह जो हार्ट है तो जब थोड़ा सा पीछे चलते हैं किंगडम एनिमेलिया में, किंगडम एनिमेलिया में, तो इसमें जो फाइलम है कॉर्डाटा, सब फाइलम वर्टीब्रेटा क्लास, अब क्लास में जब देखेंगे तो स्टार्ट होता है पी ए आर ए एम परम, पी ए आर ए एम परम, पी फोर विशेष क्लास, पी फोर विशेष क्लास। अब देखो कि विशेष क्लास में उसके हार्ट में टू चैम्बर। अब देखो एम्फीबियन क्लास में उसके हार्ट में
थ्री चैम्बर रेप्टेरियन क्लास में उसके हार्ट में थ्री चैम्बर है, बट क्रोकोडाइल इन रेप्टेरियन क्लास एक्सेप्शनल फोर चैम्बर है वह क्रोकोडाइल, लेकिन रेप्टाइल है लेकिन उसमें हार्ट चैम्बर कितना है, फोर है डेवलप करके। क्लास एप्स बर्ड्स वाला एप्स उसमें भी फोर चैम्बर, क्लास मेमल्स फोर चैम्बर। अब लगता है कि अगर और कोई क्लास नया बनेगा फ्यूचर में तो उसके हार्ट चैम्बर में कुछ न कुछ नंबर बढ़ सकता, ऐसा ये सिस्टम बता दो। तो उस हिसाब से इसको अलग टेक्निक से भी याद रखने के लिए कला बताए थे कि ए आर टी एक आर्ट है, ए आर टी कहता है आर्ट है कला है। तो एम्फीबियन रेप्टेरियन के पास थ्री चैम्बर हार्ट, एम्फीबियन रेप्टेरियन के पास थ्री चैम्बर हार्ट, ये टेक्निक से याद रख सकते हैं। अब देखो क्लास विशेष से स्टार्ट किया, हार्ट चैम्बर को जो लिया और थोड़ा सा अगर स्पिरिचुअल में चले जाए तो वहां भी विष्णु भगवान मत्स्य रूप में अवतार लिए, जब जल प्रलय हो गया तो मत्स्य अवतार भगवान लिए और मनुष्य रूपा को स्वेडन स्मित करते हैं, स्वादम हवा करते हैं, मनुष्य रूपा को किनार लगाए। तो हम लोग यहां से चलते चलते यहां तक पहुंच चुके हैं, अब क्या होगा सोच सकते हैं। तो यहां पर हम लोग क्योंकि हार्ट चैम्बर समझना जरूरी था, अलग अलग स्पेसीज में क्या होगा, तो विशेष में फीस आएगा, एम्फीबियंस में फ्रॉग आएगा, रेप्टिलियंस में स्नेक आएगा, क्रोकोडाइल तो इधर कर दिए, एप्स में बर्ड्स आएगा, मेमल्स में जितने भी मेमल्स यानी मेमेरी ग्लैंड्स मिल्क सीक्रेट, चाहे वो छोटा जीव हो या बड़ा हो, और चैम्बर एक चीज याद रखें, जिसमें भी टू चैम्बर हार्ट है, जिसमें भी टू चैम्बर हार्ट है तो उसमें वर्क ऑरिकी और वन वेंट्रिकल, क्या होगा उसमें वन ऑरिकल एंड वन वेंट्रिकल, ऑरिकल अदर टर्म एट्रियम, ऑरिकल अदर टर्म एट्रियम, यानी कि इसको हम लोग एट्रियम भी कहते हैं, एट्रियम वेंट्रियम नहीं है, इसलिए हम इसको सिखाने के लिए बताते हैं कि सबनिक्स यहाँ देखो सी आई सी एल ई, आई सी एल ई आर भी है, यहाँ भी आर है यहाँ भी आर है, तो देखो कितना बड़ा यहाँ पर सबनिक्स एक साथ है, तो ऑरिकल वेंट्रिकल करना थोड़ा आसान हो जाता है, लेकिन याद रखने के लिए ऑरिकल को एट्रियम भी याद रखेंगे। अब हम लोग चलते हैं हार्ट पे,
तो सभी ऑर्गेन अलग अलग टिश्यू से, तो यहां भी क्या देखते हैं कि हम लोग का जो हार्ट है वो एक अलग स्पेशल टिश्यू से बना है। जैसे किसी एल्युमिनियम वायर को ले लो, बहुत देर तक ही नहीं, कुछ ही देर तक ऐसे ऐसे करोगे टूट जाता है। कुछ दूसरा भी कुछ ले लो, ऐसे ऐसे करोगे तो हो सकता है कि बहुत ज्यादा मजबूत है तो दिन भर में करते करते टूट जाए। लेकिन यह हार्ट में जो कार्डियक टिश्यू है, हार्ट मेड अप ऑफ कार्डियक टिश्यू, तो हार्ट में जो कार्डियक टिश्यू है वो इतना मजबूत है कि टूटता नहीं। सिनेमा में जो भी कैरेक्टर बनाते हैं, लिखते हैं राइटर, तो बहुत सोच के बनाते लिखते हैं गाते हैं। तो वो बताए थे कि दिल है कि मानता नहीं, जिस दिन मान गया उस दिन जान गया, जिस दिन यह हार्ट बीट करना रोक दिया, भला नहीं चल पाएंगे उस दिन खत्म हो गया। अब सोच लो, मदर के साथ वहीं से हार्ट बीट स्टार्ट हो चुका है, लेकिन आफ्टर बर्थ जिस दिन वह मान गया वो आप नहीं चल पाएंगे, उस दिन जान गया, तो बहुत कितना ब्रेन लगाया होगा सिस्टम को बनाने में। ये दिल है कि मानता नहीं, जिस दिन मान गए हम उसमें जोड़ दिए, वहां से हम लिए कि दिल है कि मानता नहीं। लेकिन लोग इस अर्थ में सोचे, इसीलिए हम बार बार कहते हैं किसी भी लाइन को पढ़ो तो उसमें पॉजिटिव मीनिंग निकालो, साइंटिफिक और स्पिरिचुअल खोजो, उसमें क्या छुपा हुआ है, आखिर किसी ने लिखा है तो क्यों लिखा, क्या सोच के लिखे होंगे वो। तो वो लिखे थे, गाना था कि दिल है कि मानता नहीं, और हम उसमें एक लाइन जोड़ दिए कि जिस दिन मान गया उस दिन जान गया। तो अब देखो यहाँ जो जिसमें थ्री चैम्बर है हार्ट में, तो वहां पर टू ऑरिकल होगा। ये टेक्निक है याद करने का, जिसमें थ्री चैम्बर हार्ट है टू ऑरिकल होगा और वन वेंट्रिकल होगा। तो यह अगर याद हो जाए कि जिसमें भी टू चैम्बर है तो वन ऑरिकल वन वेंट्रिकल, जिसमें भी थ्री है तो टू ऑरिकल वन वेंट्रिकल, और जिसमें फोर चैम्बर है हार्ट में तो वहां पर क्या देखेंगे, टू ऑरिकल और टू वेंट्रिकल। तो हम लोग में टू ऑरिकल है और टू वेंट्रिकल है। अब यहां देखते हैं कि आखिर यह जो कार्डियक टिश्यू है, हार्ट किस टिश्यू से बना है, कार्डियक टिश्यू से बना है। अब इसके स्टडी को क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी। अब इसके स्पेशलिस्ट को, डॉक्टर साहब को क्या कहेंगे, कार्डियोलॉजिस्ट। और अभी डिमांड है कार्डियोलॉजिस्ट का, तो अच्छे अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट एक दिन में करोड़ों रुपया कमाते हैं। अगर 10 को ऑपरेशन कर दिया तो सोच लो कितना हो जाएगा, एक ऑपरेशन का तो कम से कम 5-10 लाख लेगा। कुछ ऐसे भी लोग हैं, हम तो हर साल अपने स्टूडेंट को बता रहे हैं, तुम लोग को समझा रहे हैं कि ऐसा डॉक्टर बनना कि पेशेंट को इलाज करने के बाद उसकी आर्थिक स्थिति के अनुरूप उसे दवाई देकर के घर तक जाने की सुविधा कर देना अपना एम्बुलेंस, तो तुम्हारा जय जयकार होगा। क्योंकि यह मानव जीवन जन्म के बाद मृत्यु से पहले बहुत कम समय का है,
इसके बाद वाला जो तुम्हारा समय चलेगा कर्म का वह चिरकाल तक रहेगा। कर्मण्येवाधिकार अस्तु मा क्लेशो कदाचित्। तो तुम ऐसा कर्म करो कि वह तुम्हारे गुजरने के बाद भी, रहने तक तो चलेगा ही चलेगा, गुजरने के बाद भी वह एक अच्छे इंसान के रूप में, अच्छे चिकित्सक के रूप में, सेकंड गॉड के रूप में, सम्मानित रूप से लोग तुम्हारा नाम ले, सब सम्मान आदर से, और कहे कि नहीं वो डॉक्टर साहब, डॉक्टर तो बहुत हुए लेकिन वो एक ऐसे डॉक्टर थे कि इलाज भी अच्छा, दवाई भी कम लिखते थे, और दवाई जो भी लिखते थे पहले अपने लैब में टेस्ट कर लेते थे, वो किसी कंपनी वाले और एमआर के काने पे नहीं रहते थे, सुन लिए वो ठीक है, अपने लैब में पहले टेस्ट करेंगे कि जो जो कहा, जो जो कंपोजिशन, जो जो लिखा हुआ है रेफर में वो है कि नहीं है, उसके अलावे वह किसी खास टिश्यू पर कोई नुकसान तो नहीं कर रहा है, जिस ऑर्गेन को हम ठीक करने के लिए दे रहे हैं उस पर कितना परसेंट वर्क कर रहा है, अगर उसमें कोई कमी है तो हम और क्या मिला दें जो जल्दी ठीक हो जाए, कैटलिस्ट का काम करे, रिएक्शन फास्ट हो जाए, या और भी जो चीज है, यानी कि एज ए रिसर्चर तुमको वैसा बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जो कह दिया गुंजा के रूप में वही खिला रहे, दे रहे, पैकेट भर रहे, वैसा काम नहीं करे, क्योंकि डॉक्टर साहब के पास जितने भी आम जनता पहुंचते हैं एक अरमान लेके पहुंचता है, लेकिन वर्तमान समय में कुछ स्थिति ऐसा भी दिख रहा है कि वह सोचता है कि हम इतने लाख रुपया देके प्राइवेट कॉलेज में पढ़े या जहां भी पढ़े इतना खर्च किए तो वो निकालें कैसे, निकालें कैसे, तो तुम पेशेंट को मार करके निकालेगा। तो यह हमेशा ध्यान में रखना कि यह जो तुमको मिला डिग्री, यह जो तुमको ज्ञान मिला है दूसरे के जीवन को बचाने के लिए मिला है, तो दूसरे का जीवन इधर जान बचा दिए और उधर सब जमीन जगह बिक गया, जेवर गहना सब बिक गया, अब वो जो जाएगा तो क्या खाएगा। तो जीवन वहां तक तुमको ध्यान रखना, तुम्हारे दरबार में जो पहुंच जाए तुम ऐसा बन के देखो जय जयकार हो जाए। तो अब यहां हम लोग देखते हैं कि आखिर यह जो हार्ट है तो ये पंप कर रहा है, ये क्या करता है, पंप करता है। उसमें दो तरह का प्रेशर होगा, एक सिस्टोलिक प्रेशर होगा, दूसरा डायस्टोलिक प्रेशर होगा। एक प्रेशर कौन सा होगा, सिस्टोलिक प्रेशर होगा, और दूसरा जो प्रेशर होगा वो डायस्टोलिक प्रेशर होगा। जब भी जाते हैं तो पहले कहता है ब्लड प्रेशर चेक करो, उसको शॉर्ट में लिख देता है बीपी टेस्ट। अब इस बीपी टेस्ट में देख रहा है कितना आ गया, 120/80 mmHg। यहां पर Hg क्या है, अब ध्यान दो केमिस्ट्री में, और सिंबल है किसका, मरकरी का। अब यहां देखो क्या है, मिलीमीटर, तो यानी कि यह जो बना हुआ है या जो मरकरी ऊपर जा रहा है 12, उसको शॉर्ट में सिंबल में Hg लिख दिया। अब देख रहा है वो कितना जा रहा है,
और वहां पर साउंड सुनाई पड़ता है। सेट कर देंगे, स्टेथोस्कोप लगाएंगे, इसको किससे टेस्ट करेंगे, वहां पर कौन सा मैनोमीटर है, इस हीमोमैनोमीटर स्टेथोस्कोप आला लगाएंगे, देखेंगे साउंड लगभग। लेकिन हमारे गुरुदेव हमको बताए थे कर्म से मिल क्या है, बहुत पहले ही बताए थे बनाने के क्रम में जब वो अमेरिका से लौट के आए थे, बोले कि अमेरिकन स्टैंडर्ड रेशियो है नॉर्मल 110/70 mm पर hg। अगर किसी का इतना ब्लड प्रेशर है तो यह मत समझना कि मेरा लो है और दवाई खाना शुरू कर दो। क्यों? क्योंकि 110 से 130 तक नॉर्मल होता, इधर 70 to 90 नॉर्मल होता, 70 to 90 नॉर्मल हो, तो इसके बीच का चुन लिया तो देखा कितना हुआ, दोनों को जोड़ के दो से भाग देते 120, इधर कितना हुआ। तो रियल बात यही है, अगर इससे इतना बढ़ जाए तो दवाई मत खाना, इससे इतना पहुंच जाए तो भी दवाई नहीं खाना, लेकिन सतर्क रहना है। अब वह डिपेंड करता है कि तुम जो आए हो चल के तो तुरंत दौड़ करके, हम तो बोलते हैं कि वह मशीन 1000 रुपये में देता ऑनलाइन, तो पिछले साल तो कुछ लड़का मंगवाया था, तो हम सिखा भी दिए थे, ऑनलाइन मंगवा लिया और उसको खेलने के टाइम में फील्ड पर बता दिए, वो तो सबका चेक कर रहा कि अपना कौन, जब भी जाता है मेडिकल तैयारी कर रहा, जब भी जाता है अपने, यहाँ तो अजय सर का भी चेक करता था, जिसका जिसका चेक करते रहता था, तो उसमें क्या है वो टेक्निक सिखा देना पड़ेगा, एक बार सिखा देते हैं फिर अपने ट्रेंड हो जाता है। तो यहाँ क्या देखेंगे कि जब इससे कम हो जाए और जब इससे अधिक हो जाए, ठीक है, तब वहां पर थोड़ा सा सतर्क होना। लेकिन यहां जनरल केस में क्या देखते हैं, किसी से टेस्ट करवाते हैं 130 हो गया, कहेगा आपको तो हाई ब्लड प्रेशर है, वो और दवाई खिला करके हाई कर देगा, है ना, ऐसा हाई करेगा एक दिन हाई तो होता है, हाई हाई में चला जाए। तो यहां है कि अगर रेडिकल नॉलेज मिल जाए, सही ज्ञान मिल जाए तो परेशानी कम है। अब देखो इस हार्ट का कैसा स्ट्रक्चर है, जब हम सेक्शन काटते हैं
पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब इस दोनों को मिला करके लिख दो, पेरिकार्डियम। ध्यान से देखो, हमारे हार्ट के ऊपर से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रहा है, डीऑक्सीजनेटेड मींस इम्प्योर ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मींस इम्प्योर ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स ब्लड। दिस इज लेफ्ट प्री केवल एंड दिस इज राइट प्री केवल, अपने से अपोजिट होता है। ये भी टेक्निक याद रखें, अपने हाथ से अपोजिट होगा। तो अब देखना है कि इससे कौन सा ब्लड इसमें आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स ब्लड। कौन सा ब्लड आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स ब्लड मींस इम्प्योर ब्लड। कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स ब्लड को कौन सा ब्लड कहेंगे? इम्प्योर ब्लड। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक तो इसका नाम हो गया इम्प्योर ब्लड और दूसरा क्या हो गया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और हार्ट से नीचे वाले पोर्शन से जो ब्लड लाएगा, हार्ट के नीचे वाले पोर्शन से जो ब्लड लाएगा वह है तुम्हारा, यहां पर हो गया प्री केवल तो इसका नाम हो जाता है पोस्ट केवल। इसका नाम क्या हो जाएगा? पोस्ट केवल, है ना, पोस्ट केवल। पोस्ट केवल को हम लोग क्या लिखते हैं? वेना कावा। पोस्ट केवल को हम लोग क्या लिख देते हैं? वेना कावा। तो ये प्री केवल हो गया और ये हो गया पोस्ट केवल। अब इससे कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स ब्लड जाए हार्ट के नीचे वाले पोर्शन से, ये ध्यान देना। अब क्या होगा कि इस जगह एक पाइप लगा हुआ है जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरीज। क्या नाम है इसका? आर्टरीज। अब यहाँ पर इरेगुलर वे में दिया, रेगुलर लाइन नहीं है। इसका मतलब है इस पाइप के ऊपर से कोई पाइप गया होगा, ठीक है, इस पाइप से ऊपर कोई पाइप जा रहा है। तो उस पाइप को भी देते हैं, तो पहले यह देख लें कि इसमें एक पेपिलरी मसल्स, या कौन सा मसल्स है? पेपिलरी मसल्स या पेपिलरी मसल्स यहाँ पर दिख रहा है जो अभी दिए। ये कौन सा मसल्स हो गया? है ना, पेपिलरी मसल। अब लगता है कि फोर चैम्बर दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। इसमें आ गया इम्प्योर ब्लड और इसका नाम रख दो अपने से अपोजिट, इधर राइट दिख रहा है लेकिन इधर देना है राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब यहां पर देखो ट्राइकस्पिड वाल्व, इस साइड में कौन सा वाल्व है? ट्राइकस्पिड वाल्व। तो इधर तुमको मिलेगा
बाय का स्पीड वाल, इधर कौन सा वाल मिलेगा, बाय का स्पीड वाल, और यहां से जो यह पाइप या इसके ऊपर से इस पाइप का लॉ हो गया ए और का, ए और का। और चंबल क्लियर दिखने लगा, अब समझ लो कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स ब्लड इसने एंट्री लिया। आजकल देखते हो गेट बनाता है, सिर्फ इधर से प्रेशर देगा और इसके साथ कॉर्डी टेंटनी लगा हुआ है, वहां पर ऐसे करके लगा हुआ होता है, प्रेशर दिया बाद में कि फिर अपने आप सेट। तो जैसे ही यह ब्लड इधर से रिटर्न होना चाहा ये गेट ब्लॉक कर दिया, ट्राइकस्पिड वाल्व। यहां पर कौन सा वाल्व था, ट्राइकस्पिड वाल्व, ये ट्राइकस्पिड वाल्व क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। अब ब्लड जाएगा कहां, ब्लड अब इस पाइप में जा रहा है, इधर से जा करके ये चला गया लंग्स के पास और कार्बन डाइऑक्साइड को आउट कर दिया। उधर से जो ऑक्सीजन लिया था वो ऑक्सीजन यहाँ पर अब इस पाइप में अंदर अंदर आएगा लंग से, उस पाइप का नाम क्या हो जाएगा, पल्मोनरी वेन। अब इसका नाम हो जाएगा पल्मोनरी वेन। अब यहाँ समझना है कि जनरली वेन कहने प्योर ब्लड, बट पल्मोनरी वेन ट्रांसपोर्ट प्योर ब्लड, जनरली आर्टरी ट्रांसपोर्ट इम्प्योर ब्लड प्योर ब्लड। जनरली आर्टरी में क्या कौन सा ब्लड फ्लो करेगा, प्योर ब्लड, बट पल्मोनरी आर्टरी ट्रांसपोर्ट इम्प्योर ब्लड इम्प्योर ब्लड। तो जस्ट अपोजिट है, पल्मोनरी जैसे लगा वो तो ये सब क्वेश्चन ज्यादा पूछेगा। अब यहाँ देखो आ गया ऑक्सीजन मिक्स ब्लड मींस प्योर ब्लड, ऑक्सीजन मिक्स ब्लड मींस प्योर ब्लड एंट्री लिया। इधर से आ गया, यहाँ भी लगा हुआ है कॉर्डी टेंडिनी, इससे एंट्री लिया लेफ्ट ऑरिकल से आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में रिटर्न होना चाहिए, बंद हो गया ये पाइप मिला एओटा मेन आर्टरी और इससे पूरे बॉडी में ट्रांसफर हो गया। अब समझना है कि जब हम सांस लेते हैं तो उस लंग्स में क्या देख रहे हैं कि लास्ट में जो एयर से एल्वियोली है और इससे ब्लड कैपिलरी सटा हुआ है, यहां जब ऑक्सीजन आया तो यह हीमोग्लोबिन क्या किया, इसको कैरी कर लिया, रिसीव कर लिया और यहाँ वॉल्यूम कम हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या चला गया। अगर हम लोग खराब गैस लिए तो क्या होगा, इस पर असर पड़ेगा, इससे पहले भी पड़ेगा, ब्लड में भी पड़ सकता है, खैर घंटी बज गई है, अब इसी को दूसरे दिन फिर से चालू करेंगे, ठीक है। तुम लोग थोड़ा सा मेहनत करो और खूब अच्छा डॉक्टर बनो, बनकर दीजिए।